स्वतंत्रता दिवस को पूरे देश सहित दुर्ग भिलाई में हर्षोल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर ग्रैंड एशियन न्यूज के कार्यालय पहुंचे दुर्ग के समाज सेवी एवं डेवलपर्स केश चौहान ने हमारे न्यूज हेड से खास बातचीत की। इस दौरान बिजनेस के जुड़े सवालों का जवाब देते हुए बिजनेस को लेकर केंद्र व राज्य सरकार की भूमिका पर भी विस्तृत चर्चा की। आइए देखते हैं समाज सेवी केश चौहान से हुई बातचीत के खास अंश। नमस्कार दर्शकों, ग्रैंड एशियन की खास पेशकश एक मुलाकात में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में समाज सेवी कह ले या एक सफल व्यवसायी बिजनेसमैन केश चौहान सर हैं। राजनीति की चर्चा तो हम उनसे करते ही रहते हैं, लेकिन आज वो हमारे पास एक सफल व्यवसायी बिजनेसमैन के तौर पर शामिल हुए हैं और बिजनेस को लेकर हम उनसे कुछ चर्चा करेंगे, कुछ उनके अनुभव जानेंगे और किस तरह के लोगों को क्या बिजनेस करना चाहिए इसकी टिप्स भी हमें देंगे। तो सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। राजनीति चर्चा तो अपनी चलती ही रहती है, आज बिजनेस को लेकर हम आपसे कुछ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानना चाहूंगे बिजनेस जो है व्यवसाय किन लोगों को करना चाहिए, क्योंकि हर किसी को हर बिजनेस सूट भी नहीं होता और उनका शैली भी नहीं होती। जी जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, बिजनेस तो हर कोई कर सकता है, हर कोई कर सकता है, लेकिन हम बिजनेस हर किसी को करना भी चाहिए, क्योंकि जो नौकरी है, नौकरी एक्चुअल में ठीक नहीं है। नौकरी एक्चुअल में गुलामी है। जो हमारी व्यवस्था है, सनातनी व्यवस्था है, वो जो जितना जो काम कर रहा है उसको उतने मतलब पारिश्रमिक या उसको उतना मिलता है, लेकिन क्योंकि जो भी चीज़ें थी पहले, तो वो जो प्रॉफिट रहता था किसी भी बिजनेस का, तो वो तीन भागों में बढ़ जाता था। एक सरकार के पास चले जाता था, सरकार आपको सभी सुविधाएं देगी, सुरक्षा देगी और सभी सुविधाएं देगी, और दूसरा पूंजीपति को चले जाता था, पूंजीपति को चले जाता था, और तीसरा जो वहां पर काम करते हैं, भले वो खुद भी मतलब जो पूंजी लगाया वो भी वहाँ पर काम करता हो, दूसरे भी काम करते हो, तीसरे भी काम करते हो, तो तीसरा हिस्सा जो है वो पूंजी मतलब जो काम करने वाले हैं उनको चले जाता था। तो ये व्यवस्था थी, तो वो वहाँ के मालिक थे, और यहाँ ऐसे ही एफिशिएंसी भी बढ़ती है। लेकिन हम लोग जैसे जैसे हम मतलब पूंजी एक मतलब कुछ लोगों के हाथ में आती गई, तो वैसे वैसे ही ना मतलब नौकरशाही बढ़ती गई। हम लोग नौकर बनाने लग गए कि आप मेहनत जितनी मर्जी करें लेकिन हम इतना ही पैसा देंगे, उनका शोषण करने लग गए। तो नौकरी जो है वो शोषण है, और व्यवस्था जो है, और आज आप ये देखिए जैसे जैसे हम मतलब साक्षर हो रहे हैं, जैसे जैसे हम मतलब एजुकेट हो रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है कि हम अब ठेके पे देने चालू कर दिए। ठेके पे देना क्या है? ठेके पे देना भी एक अपने प्रॉफिट को शेयरिंग करना है, क्योंकि आप नौकरी में नहीं रख रहे हैं उसको, ठेके पे दे रहे हैं। तो ये जो व्यवस्था है ये फिर से आएगी, और हर किसी को नौकरी करनी चाहिए, हर किसी को व्यवसाय करना चाहिए। व्यवसाय की बात चल रही तो ऐसा देखा गया कि कई लोग मेहनत तो बहुत करते हैं किसी पर्टिकुलर व्यवसाय को लेकर, लेकिन उनको उसका जो जैसे रिवर्प मारता है, उनको रिटर्न जो वो नहीं मिल पाता है, ठीक से नहीं मिलता। ये हम समझते हैं शाहिन जी, ये हम लोग खुद अपने आप को ना बेचारा साबित करते हैं। ये हम लोग ऐसे समझते हैं कि हम बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप मेहनत जिस मेहनत करने से ज़्यादा ज़रूरी है मेहनत सही दिशा में करना। आप सही दिशा में मेहनत नहीं करेंगे और आप बोलेंगे कि हम मेहनत कर रहे हैं, अब वहाँ पर पानी निकलेगा ही नहीं, आप जितना मर्जी गड्ढा मार दीजिए। उससे अच्छा ये होगा कि आप पहले समझ लें कि मेहनत करनी कहाँ है, हमारे लायक क्या है, हम जिस स्थान पर हैं उसके लायक क्या है, हाँ अभी जो ईरा चल रहा है, अभी जो समय चल रहा है उसके लायक क्या है। तो जब ये देश काल और परिस्थिति के हिसाब से जब हम बिजनेस कोई करते हैं या कोई काम करते हैं तो उसका बिल्कुल प्रतिफल मिलेगा। अभी आप एक बात बताइए कि आम अगर आप गर्मियों में नहीं और दूसरे सीजन में अगर आप उगा देते हैं तो क्या उतर वैसे ही आम रसदार फलेंगे, या आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे उसमें लेकिन तब भी वो फल नहीं आ पाएगा जितना फल आना चाहिए। जी, बिजनेस में हम उतना आगे क्यों नहीं है, कारण क्या है,
क्योंकि जो भारतीय मूल देखा जाए तो नौकरी या फिर व्यवसाय दो ही पेशा है, तीसरा एक गुलामी का होता है जो नौकरशाही पाल के रखते हैं। तो बिजनेस जो करना चाहते हैं वो प्रतिकूल कर क्यों नहीं पाते, क्यों नहीं आगे बढ़ पाते, कारण क्या है? व्यवस्था सिस्टम। अगर आपको व्यवस्था वैसी मिले, मान लीजिए आपको पूंजी मिल रही है, मान लीजिए आप जो बिजनेस करना चाहते हैं उसका आपको क्या बोलते हैं, उसका आपको नॉलेज, भरपूर नॉलेज दिया जा रहा है। हम लोग बिना पूंजी के, जितना पर्याप्त पूंजी नहीं लगनी है उसके, बिना पर्याप्त पूंजी के और बिना नॉलेज के हम लोग उस बिजनेस में कूद जाते हैं और जाके पता चलता है कि दूसरी भी परेशानियां हैं, तो उस परेशानियों के कारण हम लोग उसमें डाउन हो जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ऐसी गलतियां कर लेते हैं कि नए नए बिजनेस में बहुत ज़्यादा लोन ले लेते हैं जिसका हमारे को नॉलेज नहीं रहता है। नॉलेज वाले बिजनेस में ही लोन लिया जाए या लोन बैंक उसी को दे जो उस बिजनेस में या जो 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 उस प्रोफेशन में एकदम माहिर हो, जब उनको लोन मिलता है तब वो अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हैं। बहुत सारी गलतियाँ खुद भी हो जाती हैं, तो इसमें प्रशिक्षण का बहुत ज़्यादा रोल है और पूंजी का बहुत ज़्यादा रोल है। तो बिजनेस किस टाइप का करना चाहिए? बिजनेस अमूमन तीन प्रकार के होते हैं, चौथा कोई प्रकार नहीं होता बिजनेस का। सबसे पहला होता है प्रोडक्शन, दूसरा होता है ट्रेडिंग और तीसरा होता है सर्विस बिजनेस। और सर्विस बिजनेस जो होता है वो आप ये समझ जाइए कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इंसान की, पैसा कम लगता है। सर्विस बिजनेस में आदमी बहुत ज़्यादा मेहनत करता है लेकिन उसको रिटर्न्स उसके हिसाब से कम मिलता है। इन तीन तरह के बिजनेस जो आपने भी बताए हैं, सूट कौन सा करता है, क्योंकि लाइन पकड़ता है इंसान बिजनेस को लेके, तो उसको सूट कौन सा करता है? ये बहुत अच्छी बात है। अब आपके पास मान लीजिए पूंजी, ठीक है, तो आप प्रोडक्शन बिजनेस करिए। आपके पास अगर संसाधन है, आपके पास ज़मीनें हैं, फैक्ट्री बनाने की कोई अगर चीज़ है या कोई भी और चीज़ है, तो आप प्रोडक्शन बिजनेस करिए। जैसे आप फिल्म लाइन में चले गए तो आप प्रोडक्शन करिए उसमें। अगर तो जिसके पास पैसा है वही प्रोडक्शन करेगा। अब जो बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा एक्टिंग आती है, अब उसको सर्विस बिजनेस में चले जाना चाहिए, उसके पास पैसा नहीं है क्योंकि। और जिसके पास इन दोनों का मिला जुला रूप है, मतलब वो धंधा बहुत कर रहा है, ट्रेडिंग बहुत अच्छे से कर रहा है, बेचना जिसको आता है, खरीदना जिसको आता है, जिसको इन बेचने और ख़रीदने का नॉलेज है, तो उसको वो ट्रेडिंग करना चाहिए। तो ट्रेडिंग जो है वो बेचने और ख़रीदने का हो जाता है, सर्विस बिजनेस अलग हो जाता है। जो आपकी क्वालिटी है उसमें आप जाइए। जैसे आप कोई भी बिजनेस करें, जो कैमरामैन का काम कैमरामैन करेगा, अब कैमरामैन एंकरिंग नहीं कर सकता है, एंकरिंग वाला उस चैनल को चला नहीं सकता है, तो चैनल को चलाने के लिए बहुत पैसा चाहिए। तो जब आपके पास पैसा नहीं है और आप बोलोगे कि मैं चैनल चलाऊं, तो ऐसा तो फिर वो वाला बिजनेस नहीं हो पाएगा। जो हमारे पास है, जिसमें हम माहिर हैं, जो हमारे पास क्वालिटी है, जो हमारे पास संसाधन है, संसाधन किसी भी रूप में हो सकते हैं, पैसे के रूप में हो सकते हैं, दूसरी चीज़ों के रूप में हो सकते हैं, तो जो जैसी अवेलेबिलिटी है, जैसे मान लीजिए कि आपका घर रोड में है तो आप एक दुकान खोल सकते हैं। एक घर में मतलब दुकान नुमा बना के उसमें खोल सकते, क्योंकि आपका आपका आपको किराया नहीं लगना है, आपका घर रोड में है, तो उसको आप संसाधन के रूप में आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दूसरा इंसान को अगर मतलब जिसके पास वो घर नहीं है रोड में, तो उसको प्रॉब्लम जाएगी, उसको गली में घूम घूम के बेचना चाहिए क्योंकि उसके पास वो चीज़ नहीं है। और गली में घूमने के लिए उसके पास शक्ति है, गली में घूमने के लिए उसके पास ताकत है, संसाधन भी मायने रखता है। तो संसाधन जैसे हैं, उसके पास ताकत है, आपके पास घर है, तो घर का यूज आप करिए, ताकत का यूज वो करेगा। जी, बिजनेस में सरकार का अपना किसी बिजनेस में सरकार का क्या रोल होता है?
देखा जाता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस कहा जाता है अक्सर, क्या रोल इसमें सरकार का होता है कि अपने ही लोगों को पनपाए, अपने लोगों को व्यवसाय दे? बिल्कुल सरकार का रोल रहता है और बहुत ज़्यादा रोल रहता है। जैसे सरकार पूंजी उपलब्ध कराती है और सरकार की ही दायित्व है कि जो बिजनेस कर रहा है उसको प्रशिक्षण दिया जाए और उसके बाद उसको उस चीज़ का लाइसेंस दिया जाए। क्योंकि अगर मान लीजिए बिना प्रशिक्षण के, बिना लाइसेंस के वो अगर खोल लेता है, तो अगर मान लीजिए 10 लोगों को वो अपॉइंट भी कर लेता है, तो 10 लोगों को अपॉइंट कर लिया और उसके बाद पता चलता है कि 4-5-6 महीने के बाद उसको अपना व्यवसाय बंद करना पड़ रहा है, उसको नॉलेज ही नहीं था, तो 10 लोगों की ज़िंदगी के साथ भी उसने खेला। तो इस वजह से उसको प्रशिक्षण पहले लेना चाहिए, उसको लाइसेंस मिलना चाहिए, उसके बाद उसको पूंजी उपलब्ध करानी चाहिए। और ये सब चीज़ें चल रही हैं तो उस बिजनेस की सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि उसने इंश्योरेंस करवाया है कि नहीं करवाया है, उसको जो असामाजिक तत्व हैं उसको परेशान तो नहीं कर रहे हैं, लॉ और कानून व्यवस्था उसको सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, उसका पैसा कहीं जाम तो नहीं हो रहा है, उसका पैसा कहीं रुक तो नहीं रहा है। अभी इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो, अभी जैसे मान लीजिए कि किसी का चेक बाउंस हो जाता है, तो चेक बाउंस हो जाता है तो वो सालों साल रगड़ते रहता है, उसको ये पता ही नहीं रहता है कि हमारे साथ अगर धोखा हो गया तो हम, मतलब हम उस चीज़ को कैसे निवारण करें। तो ये सरकार का, ये सरकार को कड़े कानून इसमें लगाने पड़ेंगे ताकि सिक्योरिटी हो और उनको उपलब्धता भी दिलवानी पड़ेगी। जिसके पास नॉलेज नहीं है उसको आप लोन दे के क्या करेंगे, वो तो पैसा भी डुबा के रख देगा। तो सरकार का बहुत बड़ा रोल है, उन सभी चीज़ों को करना चाहिए सरकार को। एक अच्छा, ये तो हुई नए बिजनेसमैन की बात जो आप बात कर रहे हैं, नए बिजनेसमैन की बात। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो बाप दादा के समय से लंबा अच्छा बिजनेस चलता रहता है, एक पीढ़ी आती है और 4 महीने में खत्म हो जाता है। कर लो, इसमें इसमें क्या तुक? हाँ बताइए क्या बोले? आपने जो अभी बात की नए बिजनेस के लिए सरकार मदद, पुराने बिजनेस क्यों डूब जाते हैं? जो पुश्तैनी बिजनेस वो क्यों डूब जाते हैं? कई बार देखा गया, आप पूछ लीजिए ना, पूछ लीजिए, मतलब उसको संभालती है और वो डूब जाता है। हाँ पूछ लीजिए, ये क्यों? ठीक है, रोल है ना। अभी तो हम सरकार का क्या रोल होता है ये हमने आपसे चर्चा की। जो बिजनेस मैन है, व्यवसायी है, पुराने जिनके पुश्तैनी बिजनेस चले आ रहे हैं, उनको अचानक बैकफुट पे देखा जाता है, क्या कारण रहता है? समय, समय से आप अगर बदलाव नहीं करेंगे अपने बिजनेस में, जैसे अभी मान लीजिए कंप्यूटर का युग है, AI का युग है और दूसरी सब चीज़ों का, ऑनलाइन आपके मार्केटिंग करनी है, लेकिन आप वही पुराने ढर्रे में चले जा रहे हैं। तो जब आप समय पे बदलाव नहीं करेंगे, अगर मान लीजिए कि आपका जो चैनल है अगर उसमें अच्छे कैमरे नहीं आएंगे, अच्छा साउंड सिस्टम नहीं आएगा, तो क्या आपके प्रोग्राम्स वैसे ही चलेंगे? आज दूसरे जो पुराने जो चैनल थे उसको नया मोनेटाइज हो जाता है, नए टेक्नोलॉजी आ जाती है। तो और एक बात बता दूँ आपको, जो ट्रेंडिंग होता है, जो ट्रेंड होता है, उसको बीट अगर कोई करता है तो टेक्निक्स बीट करती है और टेक्निक्स फॉरवर्ड हो जाती है, टेक्निक्स ओवरटेक कर लेती है। आज जितने भी लोग पुराने लोगों को पछाड़ के आगे आए हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ टेक्निक्स का हाथ होता है। तो टेक्निक्स आ गई आपके सामने, तो टेक्निक्स को इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो ट्रेंडिंग ट्रेंड पे चलते रहते हैं, ट्रेंडिंग बिजनेस पे चल देते हैं, तो उनसे लोग आगे निकल जाते हैं, उनका उनसे कोई माल नहीं खरीदता, उनका व्यवसाय ठप हो जाता है। जो बिजनेस करने इच्छुक हैं उनको किस तरह की सलाह देना चाहेंगे, जो अच्छा डेवलप हो, फले फूले उनका बिजनेस? देखिए, आज तक जितने भी बिजनेस हुए हैं, हम अगर यहाँ पर इंटरव्यू कर रहे हैं या आप चैनल खोले हैं या जितने भी बिजनेस हैं, आप वाटर बॉटल देख लीजिए, तो जितने भी बिजनेस हैं वो कहीं ना कहीं से जो क्रिएट हुए होंगे उसके बाद वो चीज़ें, मैं बहुत, मतलब इसको आप अदरवाइज मत लीजिएगा, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वो नकल मार के होंगे। आज जितने भी बिजनेस आप देख लीजिए, भले वो ओला देख लीजिए,
ओला यहाँ पर हिंदुस्तान में आया, तो ये हिंदुस्तान ने क्रिएशन नहीं किया, फॉरेन किया। और इसमें अकलमंदी ही है, अकल अगर लड़ानी है तो नकल में लड़ाओ। और नकल के लिए भी अकल लगती है। हाँ, नकल के लिए भी अकल लगती है। और अकल किस में लगेगी कि नकल कहाँ करनी है उसमें अकल लगती है। अब आप मान लीजिए कि यहाँ पर नकल करेंगे, नकल करेंगे, अगर आपने सोच लिया कि आप नॉन वेज का एक शॉप खोल लें, दूसरी जगह तो बहुत ज़्यादा चल रही है, आपने नकल कर ली लेकिन अकल नहीं लड़ाई, उस जगह आपने शॉप खोली जहाँ पर वेजिटेरियन लोग ज़्यादा हैं, तो वो तो नहीं चलेगी। तो नकल के लिए अकल की ज़रूरत है, और अकल इसी में है कि आप नकल करें। तो आप चुपचाप जो बिजनेस चल रहे हैं उसको क्या परिस्थितियां उस हिसाब से हैं कि नहीं है, और दूसरी बात यह है, मेन बात यह है कि आपके पास संसाधन क्या है। संसाधन फिर मैं बोल रहा हूँ कि पैसा भी हो सकता है, आपकी इंटरनल क्वालिटी भी हो सकती है। आपकी इंटरनल क्वालिटी है तो आप और आप जैसे ऑनलाइन में या सोशल मीडिया में बहुत अच्छे हैं तो सोशल मीडिया के थ्रू अपना काम कर सकते हैं। यूट्यूबर्स कितने आगे बढ़ गए, बहुत पैसा कमा रहे हैं। आपकी इंटरनल क्वालिटी क्या है, आपके संसाधन क्या है, उस हिसाब से ही आगे बढ़े आप। और अगर आप अपने बिजनेस में फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ज्यादा करते हैं, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, तो आपका बिजनेस दूसरों से कंपटीशन से आगे निकल जाएगा। जैसे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मैं बता दूं आपको, जैसे आपके चैनल में अगर मान लीजिए कि आपने अच्छा कैमरा ले आए, वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है आपका। अच्छा कंप्यूटर ले आते हो, वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है आपका। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट अगर करते जाएंगे, एक ठेले में अगर चाय बेच रहा है तो अगर मान लीजिए वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है कि एक उसने होटल खोल लिया है, एक ठेले में ना खोलते हुए उसने होटल खोल लिया, तो वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है उसका। एक ने मतलब जूस हाथ वाले से चला रहा है और एक ने जूसर ले आया है, वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है उसका। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ता जाएगा तो हम उस बिजनेस को बहुत तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिजनेस टिप्स आपने लोगों को दिए और किन बारीकियों से बिजनेस करना चाहिए, नकल के लिए अकल और अकल के लिए नकल की ज़रूरत, बहुत ही आपने बताया। अब आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, और अगले एपिसोड में भी हम बिजनेस को लेकर आपसे चर्चा करेंगे। तो हमारे स्टूडियो में आज उपस्थित थे, शामिल थे हमारे साथ केएस चौहान सर। उन्होंने बिजनेस टिप्स लोगों को दिए और किन लोगों को कैसा बिजनेस करना चाहिए जो उनके आने वाले जीवन में इनको सूट करे, उनको आगे बढ़ने में मदद करे, इस टिप्स हमको दिए, लोगों को बताए। अगले एपिसोड में फिर हम हाजिर रहेंगे आप सबके बीच में। तब तक के लिए नमस्कार।